अयोगवा बता रहे हैं। फिर देखिए जो अयोगवा में जो अंग का उच्चारण स्थान होता है ये कैसा होता है, नासिक, कहां से होता है, नासिक के होता है। नासिक का क्या मतलब होता है भाई, नासिक के क्या का मतलब होता है कि इसका क्या उच्चारण कहां से होता है, नाक से होता है। नाक से उच्चारण अर्थात नाक और मुख दोनों से होता है, लेकिन मुख्यतः इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है, नासिक के। दूसरा देखिए अह, देख रहे नहीं, अह जो है अह का उच्चारण स्थान जो होता है वह क्या है भाई, देख रहे नहीं, तो अह का जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है, कंठ होता है, कंठ पर मुगा। एक बार जो नए लोग आए ध्यान पूरे लिखिएगा, बोर्ड पे लिखिए, मैं तभी लिखवा दे रहे, जहां जहां कहेंगे सब लिखवा देंगे, पॉइंट पॉइंट लिखवा देंगे। क्या भाई, पहले एक बार समझ लीजिए फिर दोबारा, हमने बताया वर्ण, जो नए लोग हैं वो ध्यान पूर्वक देखेंगे, जो पुराने लोग पढ़े हैं वो भी ध्यान दीजिए। जो वर्ण हमने बताया, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे अलग ना किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण को ही हम क्या कहते हैं, अक्षर, और अक्षर का अर्थ होता है अनाश वाण, जिसका नाश न हो, जिसका क्षरण न हो, जिसे तोड़ा न जा सके, कंफर्म हुआ। फिर हमने बताया कि वर्ण दो प्रकार का होता है, एक है आपका स्वर और दूसरा आपका क्या है, व्यंजन। देखिए फिर हमने बताया स्वर क्या है कि इनके उच्चारण में, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं, स्वर। और स्वरों की सहायता जो बोले जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। बात स्पष्ट हुआ, फिर ध्यान दीजिएगा स्वर क्या है, तो हमने बताया कि इनके प्रकार है, जिसे उच्चारण के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, होठ की स्थिति के आधार पर, कन्फर्म हुआ। ध्यान रखिए उच्चारण के आधार पर क्या होता है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और श्लोक स्वर। हर्ष स्वर में है छोटा, छोटी, छोटा उ और इसी वाला री। हर्ष स्वर क्या क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, मतलब पूछ हुआ। दूसरा है आपका दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में क्या है, बड़ा आ बड़ी ई, बड़ा आ बड़ी ई, बड़ा उ ए ऐ ओ औ और आ, ये क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि उनके उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है। फिर आपका फ्लूट स्वर, फ्लूट स्वर में आपका कौन कौन सा है, केवल आपका ने बताया कि इसका नाटक में इसका प्रयोग किया जाता है, इसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है। अग्र स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कार्य करता है वे क्या कहलाते हैं, अग्र स्वर, जैसे ई ए है। दूसरा है आपका स्पष्ट स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पीछे का भाग कार्य करता है वे क्या कहलाते हैं, स्पष्ट स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग कार्य करता है वे क्या कहलाते हैं, मध्य स्वर। दूसरा हमने बताया वृत्तमुखी स्वर और अवृत्तमुखी स्वर, तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होठ वृत्ताकार या गोलाकार होता है वे वृत्तमुखी कहलाते हैं, और होठ वृत्ताकार यदि गोलाकार नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं, अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। बात स्पष्ट हुआ। फिर हमने आपको बताया कि ये आपके रहे स्वर, यहाँ से लेकर तो वहां तक आपके सारे स्वर हैं। और जब इसमें दो प्रश्न बनेगा, जब पूछा जाएगा स्वरों की संख्या कितना है, कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या कितना है, 13। दूसरा पूछा जाएगा स्वरों की संख्या कितना है, तो स्वरों की संख्या कितना है, 11। कन्फर्म होगा। अब यही जो अंग और अंग होते हैं ये न तो स्वर होते हैं और न ही क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवा कहा जाता है। और अयोगवा की जो संख्या है वह कितना है, 2। अयोगवा की संख्या कितना है, 2 है। कन्फर्म होगा। हमने बताया स्वरों का उच्चारण स्थान, तो स्वरों का उच्चारण स्थान, अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। उ का उच्चारण स्थान क्या है, होठ है। ही का उच्चारण स्थान क्या है, गुर्दा है। ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ प्लस तालु है। ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ प्लस होश है। और अंग क्या है, आपका नासिक है। और अ का उच्चारण स्थान जो है वह कैसा है, कैसा है, कंठ है। बात स्पष्ट हुआ। आगे देखिए व्यंजन, व्यंजन में हमने आपको बताया कि व्यंजन भी प्रकार का होता है, कौन कौन सा भाई, स्पर्श स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका क्या है, अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा आपका क्या है, ऊष्म व्यंजन। ध्यान दीजिएगा ये आपके कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा आपका क्या है, ऊष्म या ऊष्म, जैसे संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा क्या है आपका, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन।
कंफर्म हुआ। अब ध्यान दीजिएगा स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन ये है कि इनका उच्चारण करते समय जीवा हो कहीं न कहीं इनका स्पर्श होता है, इसलिए कैसे कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कंफर्म हुआ। स्पर्श व्यंजन आपके कहां कहां से होते हैं, कहां से लेकर के मां तक के जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वही स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कहां से लेकर के मां तक के स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या कितना है 25 अर्थात कितना है 25। कंफर्म हुआ। अब इसी में ध्यान दीजिएगा, जब इतना बताए हैं तो इसी में ध्यान रखिएगा हिंदी में 5 वर्ग होते हैं। ध्यान रखिएगा कितने वर्ग होते हैं 5 वर्ग। संस्कृत में भी 5 वर्ग होते हैं लेकिन हम संस्कृत डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हिंदी में 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। कंफर्म होगा प्रत्येक में कितने कितने अक्षर होते हैं भैया 5-5 अक्षर होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को ठीक। अब जब 5-5 प्रत्येक में 5-5 अक्षर होते हैं तो कौन कौन सा वर्ग है आपका, तो कौन सा वर्ग है आपका पहला आपका कौन सा है क वर्ग। तो क वर्ग में इसमें बताया प्रत्येक में 5 अक्षर, इस प्रकार इसमें कौन सा है क ख ग ग और क्या है आपका कंफर्म हुआ क ख ग घ और क्या है आपका अंग। कंफर्म हुआ। दूसरा देखिए कौन सा है च वर्ग। च वर्ग में आपका कौन कौन सा है च छ ज ह और आपका क्या है। दूसरा आपका ट वर्ग। ट वर्ग में ट ख ट ह और क्या है आपका हरा। फिर क्या है ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन सा है ट ख ग और कौन सा है। फिर देखिए कौन सा है प वर्ग। प वर्ग में आपका प ख ब ह और कितना है। आंसर होगा ये आपका है क से लेकर के म तक की स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और हिंदी में हमने बताया 5 वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। कंफर्म होगा। तो यही यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आपके जो होते हैं व्यंजन वे क्या कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कंफर्म होगा। अब इसी पर ध्यान रखिएगा स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान। इसी पर ध्यान रखिएगा कि स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान। तो स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान ध्यान रखिए देखिए क का जब पूरे क वर्ग का पूरा क वर्ग अर्थात क का भी ख का भी ग का भी घ का भी और अंग का भी जितना है सबका उच्चारण स्थान क्या है कंठ है। कंफर्म हुआ। सबका उच्चारण स्थान क्या है कंठ है। क्यों, क्योंकि सबके उच्चारण में आवाज कहां से निकलती है कंठ से निकलती है, इसलिए कैसे वर्ण कहलाते हैं कंठ वर्ण कहलाते हैं। ये इसका उच्चारण स्थान पूरा आपका क्या रहा कंठ रहा। कंफर्म हुआ। दूसरा है च वर्ग। जब च का उच्चारण स्थान करेंगे युवा देखिए किसको छूती है ताल को, क्या छ ज झ उच्चारण करें जीव हमारी हमेशा ताल को छूती है च छ ज झ। तो ये च छ ज झ ये कैसे आपके रहे हैं कैसे रहा कैसा रहा कैसा रहा ताल देख रहे नहीं ताल या हम कह सकते हैं तालब्ध। बात स्पष्ट हुआ। दूसरा देखिएगा क वर्ग। क वर्ग तो ट ठ ड ढ का जब उच्चारण करते हैं जीवा हमारी क्या होती है मुड़ जाती है, जीवा में झुकाव होता है मुड़ाव होता है। जब ये कहाँ होगा ये क्या कैसा होगा। अब देखिए ट वर्ग। जब ट वर्ग का उच्चारण स्थान करेंगे ट थ द ध जीवा हमारा आकर के किसको छू रही है दांत को छू रही है, तो इसलिए कैसे वर्ण कहलाते हैं दांत वर्ण। खत्म हुआ। आगे देखिएगा प फ ब भ का जब उच्चारण स्थान करेंगे प फ ब भ होठ क्या कार्य कर रहा है होठ ही कार्य कर रहा है, इसलिए कैसे कहलाते हैं। खत्म हुआ। दूसरा देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो अंतस्थ व्यंजन है कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, स्वर और व्यंजन के मध्य उच्चारित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या कितना है 4 है। कौन कौन से आपके य र ल और कौन सा है वा। ये आपके क्या रहे हैं अंतस्थ व्यंजन। क्यों, क्योंकि इनका उच्चारण जो है स्वर और व्यंजन के मध्य होता है। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा इनका उच्चारण स्थान। इनका भी उच्चारण स्थान क्या है, तो ध्यान रखिएगा जो ये है इसका उच्चारण क्या होता है ताल। क्यों, क्योंकि जब शुरुआत जब भी इसका उच्चारण स्थान परीक्षा माफ करिएगा परीक्षा के दौरान आप उच्चारण स्थान करिएगा तो डायरेक्ट यहाँ नहीं पढ़ा करिए, थोड़ा पीछे से लेकर के पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको ये कौन सा है आपका ताल कैसा रहा ताल। अब देखिए र और ल का जो उच्चारण स्थान क्या है लुंठित।
या इसी कहते हैं दंत। और जब व का उच्चारण स्थान करेंगे वह तो कहां से रहे दंत और प्लस क्या हो रहा है ओठ कार्य कर रहा है इसलिए इसे क्या कहा जाता है दंत अर्पण हुआ दंत और प्लस ओष्ठ या कह दीजिए दंतोष्ठ। बात स्पष्ट हुआ। आगे देखिएगा ऊष्मिया संघर्षी व्यंजन। ऊष्मिया संघर्षी व्यंजन क्या ना भैया ऊष्मिया संघर्षी व्यंजन देखिए ऊष्म क्या मतलब क्या होता है गर्मी गर्मी ऊष्म का अर्थ मतलब होता है गर्मी अर्थात ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से वायु जो होती है वह घर्षण या रगड़ खा के बाहर आए और गर्मी का एहसास कराए जैसे सहखा सह का उच्चारण जब हम करते हैं पता लगाना है कि कैसा व्यंजन है आप एक नियत दूरी पर अपना हाथ लगाएंगे जो कहेंगे सहखा सह तो मुख से गर्म वायु आकर के हाथ पे क्या करती है स्पर्श करती है इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। मुख से जो वायु निकलती है वो घर्षण या रगड़ खा के बाहर आती है। ये कौन कौन से आपके स ख स और देख रहे नहीं ख स और कैसा है कैसा व्यंजन है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। संपन्न हुआ। अब ध्यान दीजिएगा स का जो उच्चारण स्थान होता है इनका इनको सभी को याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं बहुत रिपीटेड है उच्चारण स्थान से देखिए जब जब भी पूछेगा उच्चारण स्थान से जब भी पूछेगा ध्यान रखिएगा इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछता है यहाँ से लेकर ये उच्चारण स्थान यहाँ इसका होगा और दूसरा उच्चारण स्थान यहाँ होता है और ये होता है इसके बाद नहीं पूछा जाता है ध्यान रखिएगा। उच्चारण स्थान ये भी है कम समय में ये भी एक प्रकार का ट्रिक है हम कहाँ कहाँ से पढ़ें जो निश्चित रूप से हमें मिल जाए ध्यान रखिएगा। उच्चारण स्थान जब भी याद करिएगा ऋषि लेकर के यहाँ तक उच्चारण स्थान और दूसरा जो है आपका अंतस्थ का उच्चारण स्थान और आपका ऊष्म या संघर्षी का उच्चारण स्थान ये बहुत बार उच्चारण स्थान पूछा गया है तो उसमें देखिए इसका जो उच्चारण स्थान है वह क्या है तालु है कैसा है तालु और जो ये खटवा वाला है इसे क्या है मुर्दा। देखिए इसमें ऐसा कटा हुआ है समझ लीजिए मुड़ा हुआ है तो कैसा है मुर्दा इसका उच्चारण स्थान कैसा है देखिए स है स का क्या है दंत और ध का उच्चारण स्थान क्या है देखिए किसी किसी किताब में इसे जो है मूर्धा भी कहा जाता है संस्कृत में इसे मूर्धा ही माना गया है ठीक ना लेकिन इसका लुंठित है कि ये आवाज कैसे लुढ़कती हो रहा उच्चारण तक से लुढ़कते हुए गिरता है इसीलिए क्या कहा जाता है इसे लुंठित कहा जाता है इसे मूर्धा भी कह सकते हैं पार्श्विक भी कहा जाता है इसे पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है पार्श्विक के अंतर्गत भी रखा जाता है क्योंकि इसका भी लुंठित है लुढ़कते हुए इसका जीव गिरती है इसलिए इसे पार्श्विक भी कहा जाता है। तो ये रहा आपका व्यंजन। आगे इसी में ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद भी एक तर एक व्यंजन और है जिसे कहा जाता है संयुक्त देखिए प्रकार में तो नहीं रखा गया इसको इनके प्रकार में व्यंजनों के प्रकार में तो नहीं रखा गया है लेकिन फिर भी ये अपना एक अलग से घूम के रखते हैं जो कौन से है संयुक्त। संयुक्त का क्या मतलब होता है संयुक्त क्या मतलब होता है मिला हुआ मिला हुआ मिलेंगे क्या मिलेंगे दो वर्ण ही मिलेंगे तो ऐसे वर्ण जो दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर के बने होते हैं वे क्या कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। बात स्पष्ट हुआ। अब संयुक्त व्यंजन में आपका कौन सा है छत तरह या और श्रीमान जी का कन्फर्म हुआ ये संयुक्त व्यंजन कितने हैं चार है इनका देखिए उच्चारण स्थान जो है वह आधा क और धन क्या है आपका खटको वाला ये आधा क और धन राशि मिलकर के बना है ये आपका आधा ज और धन इन्हें से ये बड़का वाला श लेकिन आधा और धन कन्फर्म हुआ। इसी को थोड़ा और आगे भी तोड़ सकते हैं ध्यान रखिएगा इसको आगे तोड़ेंगे देखिए इसमें बड़ा सा लेकिन आधा है अब राम लिखा आ लगा छिपा हुआ है नहीं इसे और आगे ले सकते हैं धन आधा र और धन अब क्या आया इस तरीके से भी दे सकते हैं ठीक ना तो ऐसे सबके साथ होगा जिनके साथ हुआ है वही सबके साथ होगा खत्म हुआ। आगे देखिएगा एक और व्यंजन है द्विगुण व्यंजन द्विगुण व्यंजन में आपका कौन सा है ग और क्या है आपका इन्हीं को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है।
उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। कंटर्म हुआ, इस प्रकार से कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितना भैया, टोटल वर्णों की संख्या कितना है, क्योंकि कंटर्म हुआ कैसे कैसे हैं, तो आपका 13 क्या हुआ, 13 स्वर हुआ, कंफर्म हुआ, और 25 के क्या हुआ, स्पर्श व्यंजन, 4 के क्या हुआ, अंतस्थ हुआ, और 4 के क्या हुआ, ऊष्म, और 4 संयुक्त हुआ, और 2 क्या हुआ, जीरो। अब इन्हीं को काउंट करिए, देखिए 4 यहाँ, देखिए 5 3 8, 8 8 16, 16 4 20, और 2 22, ये 2 और 2 1 3, और 2 5। इस प्रकार से हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितना है, कितना है, 52। कंफर्म हुआ।